हिंदुत्व इन द चेंजिंग टाइम्स, इस पुस्तक के 11वें संस्करण के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, इस पुस्तक के विद्वान लेखक माननीय श्री नंद कुमार जी, युवा तेजस्वी प्रखर विचारक भाई गुरु प्रकाश जी और इस समूचे आयोजन के सूत्रधार इस पुस्तक के प्रकाशक श्री दत्तन जी, इसके साथ ही इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान सम्मानीय देवियों सज्जनों और प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं इंडस क्रोल को सबसे ज्यादा बधाई देना चाहता हूं कि एक ऐसे समय में जब बहुत सारी चीजें कहीं न कहीं बदल रही हैं और बहुत सारी चीज़ों को चुनौती मिल रही है, सीधे सीधे हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम इस शीर्षक से किताब निकालना बहुत साहस की बात है। और हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम इस किताब का 11वां संस्करण निकलना, ये अपने आप में इस बात की आश्वस्ति है कि सचमुच समय बदल रहा है। अगर समय नहीं बदल रहा होता तो इंडस स्क्रॉल के ये प्रकाशक शायद प्रकाशन व्यवसाय छोड़ के कुछ और काम करने के बारे में सोच रहे होते। लेकिन ये जो समय बदल रहा है इसके बारे में हम सबको सोचने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत सटीक बातें हमारे सामने रखी हैं। सबसे पहले तो मित्रों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, हम सबकी मातृभाषा हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं हैं, अंग्रेजी है नहीं, फॉर और इन में बहुत फर्क होता है। इस पुस्तक में है हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स। आज जिनकी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में भी हुई है, कई बार हिंदुत्व इन द चेंजिंग टाइम्स बोल देंगे और अगर आप उनसे कहेंगे कि ये फॉर है तो आपसे पूछेंगे क्या फर्क पड़ता है, इन द चेंजिंग टाइम्स और फॉर द चेंजिंग टाइम्स में क्या फर्क पड़ता है। हिंदुत्व इन द चेंजिंग टाइम्स कुड बी एन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो, बट हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स बिकम्स द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द चेंजिंग टाइम्स एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कौन सी बीमारी है ये बहुत लोग बता देंगे, लेकिन उस बीमारी की दवा क्या है ये एक निष्णात डॉक्टर ही बता सकता है। इसलिए हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स, इट इज नॉट इन द चेंजिंग टाइम्स। और इसलिए मुझे लगता है कि नंद कुमार जी ने बहुत सोच समझ के फॉर द चेंजिंग टाइम्स की बात आपके सामने कही है। इन द चेंजिंग टाइम्स की बात बहुत लोग कई सालों से कर रहे हैं पर प्रिस्क्रिप्शन कोई नहीं दे रहा था। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें प्रिस्क्रिप्शन है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने इस किताब का पहला संस्करण पढ़ा और जब आई शायद उसके 15-20 दिन के अंदर ही पढ़ा। और एक छोटी सी चीज अभी तो खोल के नहीं देखा, पहले संस्करण में इसके बैक कवर पे नंद कुमार जी का बहुत सुंदर सा चित्र है, वो प्रकाशक जी ने वो क्यों गायब कर दिया मुझे समझ में नहीं आया। वो गेवा कलर में नंद कुमार जी का एक चित्र है जिसमें उनके माथे पर जैसी लाल बिंदी चमकती है वैसी सूर्य के भांति चमकती हुई बिंदी थी। वो दरअसल दिखाता है कि ये सूर्य अब हिंदुत्व के बदलते समय का परिचायक है, उस दृष्टि से हमें उसको देखना चाहिए। इधर आ गया चेंजिंग है। विशेष बात ये है कि हम लोग हमेशा हिंदुत्व की बात कहते हैं तो अक्सर लोग भ्रम करते हैं कि हिंदुत्व कोई धर्म है, कोई पंथ है, जबकि भारत में दरअसल हिंदुत्व एक विचार पद्धति है, एक जीवन पद्धति है, एक जीवन जीने का तरीका है। इसलिए हिंदुत्व का जो क्षेत्र है, हिंदुत्व का जो दायरा है वो बहुत व्यापक है, वो रिलीजन की परिभाषा से कहीं बहुत अधिक बड़ा, बहुत अधिक विशाल, बहुत अधिक विस्तृत है। हम सब जानते हैं हिंदुत्व के इतिहास के बारे में भी अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि हिंदुत्व शब्द दरअसल आया कहां जब भारत में। एक समय था जब इस संपूर्ण क्षेत्र में लगभग एक ही विचार और एक ही जीवन शैली को मानने वाले लोग रहते थे, तो उसे सनातनी विचार या सनातनी जीवन शैली कहा जाता था।
तब कभी ये विचार नहीं आया कि हिंदू यानी क्या होगा। ये तो जब दूसरे क्षेत्र से दूसरे धर्मावलंबी जब भारत में आने लगे, आक्रमण के बहाने बाद में आए, पहले व्यापार के बहाने आने लगे, और तब उन्होंने सोचा कि जो सिंधु नदी के इस तरफ है वो कौन लोग हैं, तब उन्होंने हिंदू संज्ञा दी। और जब हिंदू संज्ञा दी तो उसके साथ उन्होंने इसको धर्म से जोड़ने की बात भी लगातार की, जबकि हिंदुत्व का जो व्यापक अर्थ है वो दरअसल हिंदुत्व में इज्म के साथ नहीं है, वो दरअसल हिंदूनेस के साथ। इसलिए किसी भी बात के साथ जब आप इज्म जोड़ देते हैं तो उसका एक तरह का नेगेटिव कनोटेशन भी आपके सामने नजर आता है, यानी हिंदूनेस होने में जो सकारात्मक भाव है, जो पॉजिटिव कनोटेशन है, उसको लगातार भुलाने की भी एक चेष्टा की गई। और इसीलिए कई कई बार ये भी हुआ कि जब आप हिंदुइज्म की बात करेंगे तो उसको दूसरे इज्म्स के साथ कहीं ना कहीं तुलना करने की कोशिश करेंगे, और ये लगातार पिछले कई वर्षों से हिंदुत्व के साथ, भारतीय विचार पद्धति के साथ, भारतीय जीवन शैली के साथ होता रहा है। इस पुस्तक में एक छोटे सा उपशीर्षक से एक टॉपिक है जिसमें नंद कुमार जी ने हमें समझाने की कोशिश की है, बिजनेस ऑफ रिलीजन, रिलीजन ऑफ बिजनेस। जब वो रिलीजन ऑफ बिजनेस समझा रहे हैं तो वो संभवतः कहीं ना कहीं उस पूरी व्यापार पद्धति के बारे में, जीवन पद्धति के बारे में एक दृष्टि आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि हम लोगों ने इसका ठीक उल्टा कर दिया, अब हम धर्म का व्यापार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से पिछले 70 साल में भारत ने धर्म निरपेक्षता के नाम पर जो कुछ भी किया है वो एक तरह से धर्म का व्यापार ही हुआ है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, और कई बड़े लोग भी इस बात को कहते हैं, हमने इन वर्षों में धर्म को तो माना लेकिन धर्म की नहीं मानी। अगर हम धर्म की मानते तो शायद हमारे देश की वो दुर्दशा नहीं होती, शायद हमारे समाज की वो दुर्दशा नहीं होती जिसके लिए नंद कुमार जी जैसे विद्वानों को हिंदुत्व और द चेंजिंग टाइम्स जैसी किताब लिखनी पड़ती है। ऐसा क्या है हिंदुत्व में जो आपको एक किए रहता है, ऐसा क्या है हिंदुत्व में जो आपको बांधे रखता है? 3500 साल पहले भी यही इसी धरती से कोई कहता था, अयम निजो परेवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। 3500 साल पहले कोई, और 3500 साल पहले ही उसे ये मालूम था, जन्म विवृति बहुता नाना विवाचसम, अथर्ववेद में लिखा है, उसे ये मालूम था कि इस धरती पर अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कारों को मानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन सबको एक करना, उन सबको एक साथ जोड़ के रखना, ये भी कहीं ना कहीं मेरा धर्म है। ये 3500 साल पहले इसी हिंदुइज्म से, इसी हिंदुवाद से, इसी सनातन संस्कार से कहीं ना कहीं इस धरती पर ये बात संपुष्ट होती थी।